स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाश हैं। स्वतंत्रता दिवस पर, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, भारत 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस पर, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, भारत 1950 में अपने संविधान को अपनाने और भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। डॉट इन दो दिनों में झंडा फहराने की प्रथा इस मायने में अलग है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जिसके बाद एक परेड आयोजित की जाती है और इस अवसर के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रगान भी बजाया जाता है और भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का प्रदर्शन होता है। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, उसके बाद परेड और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कारों के विजेताओं को अशोक चक्र भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे भारत में कई स्थानों पर परेड, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और इन दिनों स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। संक्षेप में, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बीच मुख्य अंतर ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति, फहराने की जगह और ध्वजारोहण के बाद की घटनाओं का है।